हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डोपिंग बाय डिफ्यूजन, मतलब ये कि किस तरीके से हम एक सिलिकॉन वेफर को डोप कर सकते हैं, मतलब उसकी डोपिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस। क्लियर? ये हमारा मेन टॉपिक रहेगा आज की वीडियो का, डोपिंग बाय डिफ्यूजन। क्लियर? इसके साथ साथ इस वीडियो में हम कुछ और छोटे छोटे टॉपिक्स भी पढ़ेंगे, जैसे थर्मल डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन सिस्टम्स किन्हें कहते हैं, जंक्शन डेप्थ किसे कहते हैं और शीट रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। क्या याद रखिएगा, ये कोई अलग टॉपिक नहीं है, ये सारे टॉपिक इंटरकनेक्टेड हैं। ये सारे टॉपिक इंटरकनेक्टेड है, मतलब कि ये जो हमारा मेन टॉपिक है डोपिंग बाय डिफ्यूजन, इसी के ही अंदर वो छोटे छोटे टॉपिक्स आएंगे और ये सारे टॉपिक इंटरकनेक्टेड होंगे। क्या इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है ऋषभ कुमार और आप सभी का वेलकम है आरके फिजिक्स पॉइंट में। क्या चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा मेन जो टॉपिक है भैया, वो है हमारा डोपिंग बाय डिफ्यूजन। क्या है भैया? हमारा डोपिंग बाय डिफ्यूजन। अब इस चीज को याद रखिएगा कि डोपिंग और डिफ्यूजन दो अलग अलग टर्म्स हैं, इन दोनों के ऊपर एक इंडिविजुअल वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। क्या उन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं ना, डोपिंग डिफ्यूजन प्रोसेस बाय आरके फिजिक्स पर, डोंट वरी। क्लियर? अगर आपको नहीं पता फिर भी ये वीडियो आपको समझ में आएगी, तो ये मत सोचिए कि नहीं हमें वो वीडियो देखनी पड़ेगी फिर ये समझ में आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से बैठिए, ठंडे दिमाग से आपको सब कुछ समझ में आएगा। आ जाओ देखो जल्दी से हमारा टॉपिक क्या है, जरा एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं, डोपिंग बाय डिफ्यूजन। सबसे पहले ये समझते हैं कि डोपिंग क्या होता है और उसके बाद समझते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। सुनो, डिफ्यूजन आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, बचपन से आप पढ़ते आ रहे होगे। डिफ्यूजन का मतलब क्या है? डिफ्यूजन का मतलब ये है कि जब कोई भी सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में भागता है, सिंपल बात है, जब कोई भी सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में भागता है तो उस प्रोसेस को, उस भागने को हम डिफ्यूजन कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर बेसिकली डिफ्यूजन की अगर मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ? डिफ्यूजन की। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या है? डिफ्यूजन का मतलब है मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी हो सकता है, ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है ना, एनी सब्सटेंस। और सब्सटेंस के एटम मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। क्लियर है ना? मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस एटम या मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, है ना, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है ना यार, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। क्लियर? सो बेसिकली अगर हम बात करें डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन बेसिकली अगर कोई भी सब्सटेंस क्या काम करता है भैया मेरे, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। क्लियर हो गया? ठीक। वहीं अगर हम बात करें डोपिंग की, वहीं अगर हम किसकी बात करें? डोपिंग की। डोपिंग भी आपने क्लास 12th में पढ़ा है ना, क्लास 12th में अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हो, भाई भौतिक विज्ञान के आप बच्चे हैं, तो आपने ऑब्वियसली अपने 12th क्लास में उस बचपने में आपने एक सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर पढ़ा होगा। डोपिंग का मतलब देखो सिंपली इतना है कि एक सेमीकंडक्टर के अंदर, एक प्योर, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर इंप्यूरिटीज को ऐड करना, उस प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। जिसको आप ऐड करते हो वो डोपेंट होता है, जिसको आप ऐड करते हो वो डोपेंट होता है, और इंप्यूरिटी को ऐड करना, उस प्रोसेस को आप क्या कहते हो? डोपिंग। ये क्यों होती है? इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी बढ़वाने के लिए और कुछ प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए, दैट्स इट। तो डोपिंग की अगर मैं बात करूं, डोपिंग का मतलब क्या हो गया? डोपिंग का मतलब हो गया एडिंग इंप्यूरिटीज इनटू सिलिकॉन वेफर। क्लियर? मतलब कि सिलिकॉन वेफर में इंप्यूरिटीज को ऐड करना, सिलिकॉन वेफर में इंप्यूरिटीज को ऐड करने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? डोपिंग। समझ में आया? ध्यान समझो, दोनों क्या रिलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ध्यान समझो, डोपिंग मतलब क्या? इंप्यूरिटी को ऐड करना, इंप्यूरिटी को सिलिकॉन वेफर में ऐड करना, और डिफ्यूजन है कि मूवमेंट होना हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। इस टॉपिक में हम इन दोनों प्रोसेस को, जो देखने में अलग अलग लग रही है लेकिन कहीं ना कहीं ये एक दूसरे की मदद करेंगी, डोपिंग डिफ्यूजन की मदद से आज हमें करनी है। इन दोनों टॉपिक को मिला के ही हमारा टॉपिक बनता है डोपिंग बाय डिफ्यूजन। मतलब हम एक सिलिकॉन वेफर के अंदर इंप्यूरिटी को ऐड करेंगे, हम सिलिकॉन वेफर के अंदर इंप्यूरिटी को ऐड करेंगे विद द प्रोसेस, किस प्रोसेस से? डिफ्यूजन की प्रोसेस से। समझ में आया टॉपिक का मतलब? टॉपिक का मतलब सिंपली हमारा क्या है, मतलब डोपिंग बाय डिफ्यूजन का मतलब क्या समझा? डोपिंग बाय डिफ्यूजन, इस टॉपिक का मतलब क्या है? मतलब ये है कि हम डिफ्यूजन प्रोसेस को यूज करेंगे, है ना, वी यूज डिफ्यूजन प्रोसेस फॉर डोपिंग ऑफ सिलिकॉन
सिलिकॉन वेफर। क्लियर? ये हमारा भाई साहब सिंपल सी बात है, डोपिंग बाय डिफ्यूजन, मतलब कि यूज डिफ्यूजन प्रोसेस, हम डिफ्यूजन प्रोसेस का यूज करेंगे फॉर डोपिंग ऑफ सिलिकॉन वेफर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है? अब सवाल यहां पर ये आता है कि सर डिफ्यूजन हम कौन सी करेंगे। अब जैसे वहां पर पहला पॉइंट देखिए, थर्मल डिफ्यूजन, मतलब कि हम यूज कौन सा डिफ्यूजन करेंगे, हम यूज करेंगे थर्मल डिफ्यूजन। इसका यूज करेंगे थर्मल डिफ्यूजन का। अच्छा, थर्मल डिफ्यूजन का मतलब क्या होगा? थर्मल डिफ्यूजन का मतलब समझ में आ रहा होगा, डिफ्यूजन हम करेंगे, सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएगा, किसकी मदद से? थर्मल मतलब कि हीट की मदद से, मतलब कि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे होंगे और टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से डिफ्यूजन एक सब्सटेंस का मतलब इंप्यूरिटी का हो रहा होगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। क्लियर हो रहा है? समझ में आया? बहुत बढ़िया। क्लियर? अब जरा समझते हैं ध्यान से, मतलब कि अगर मैं यहां पर फर्स्ट हेडिंग डालूं तो फर्स्ट हेडिंग हमारी क्या होगी? थर्मल डिफ्यूजन। थर्मल डिफ्यूजन हेडिंग डालते रहना आराम से, बिल्कुल क्लियर। सीक्वेंस अच्छी तरीके से नोट्स बनाना अपने। थर्मल डिफ्यूजन, क्लियर? पहले तो टॉपिक का इंट्रोडक्शन हो गया, टॉपिक के बाद हमारा इसके अंदर हमें क्या समझ में आया कि डिफ्यूजन से डोपिंग होगी। कौन सी डिफ्यूजन करेंगे? थर्मल डिफ्यूजन। मैंने कहा था सारे पॉइंट्स लिंक करेंगे, तो सब कुछ लिंक करेगा। एंड में जब शीट रेजिस्टेंस आएगा आपको पूरा फील आएगा, वो वॉइस ऑफ म्यूजिक का। क्लियर? आ जाओ, थर्मल डिफ्यूजन। थर्मल डिफ्यूजन का मतलब ये क्या? थर्मल डिफ्यूजन का मतलब ये कि डिफ्यूजन प्रोसेस डन बाय द हेल्प ऑफ टेम्परेचर, है ना? मतलब ये कि डिफ्यूजन प्रोसेस हम टेम्परेचर की मदद से करेंगे। हम क्या काम करने वाले हैं? हम हीट देंगे, हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से जो इंप्यूरिटी होगी वो डिफ्यूज्ड होगी। डिफ्यूज्ड होगी किसके अंदर? सिलिकॉन वेफर के अंदर। सिलिकॉन वेफर के अंदर आप अगर थर्मल डिफ्यूजन करते हो तो इम्प्यूरिटीज डिफ्यूज होगी, अंदर की तरफ जाएगी और डिफ्यूजन भी होगा और डोपिंग भी होगी। क्या? अब ध्यान समझो, थर्मल डिफ्यूजन करने के लिए यहाँ पर दो प्रोसेस है। मतलब थर्मल डिफ्यूजन की अगर मैं बात करूं कि थर्मल डिफ्यूजन के पास दो प्रोसेस होती है। कितनी प्रोसेस होती है? दो प्रोसेस है। क्या मतलब कि प्रोसेस कर लो, दो स्टेप्स है, है ना? यहाँ पर दो स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर वन हमारा क्या होता है? स्टेप नंबर वन होता है हमारा प्री डिपोजिशन। क्लियर? अभी रफली बता रहा हूं कि प्रोसेस कैसे होती है, बस रफली। फिर उसके बाद हम ऑपरेटर्स भी देखेंगे। क्लियर? प्री डिपोजिशन स्टेप। और सेकंड स्टेप होता है हमारा स्टेप नंबर 2, ड्राइव इन स्टेप। क्लियर? मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि थर्मल डिफ्यूजन से अभी हमको ये समझ में आया कि यार डिफ्यूजन करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर, बहुत बढ़िया। लेकिन थर्मल डिफ्यूजन करने के दो स्टेप्स हैं, मतलब थर्मल डिफ्यूजन प्रोसेस दो स्टेप्स में होगी। कौन कौन से स्टेप हो गए हमारे? पहला स्टेप होगा प्री डिपोजिशन, दूसरा स्टेप होगा ड्राइव इन। पहला स्टेप क्या हो गया? प्री डिपोजिशन, दूसरा होगा ड्राइव इन। क्या है सर ये? प्री डिपोजिशन मतलब कि किसी को डिपोजिट करना है। सुनो ध्यान से, पहला स्टेप हमारा होगा ये स्टेप नंबर 1। ध्यान से देखेंगे, मैं यहां लिख रहा हूं स्टेप नंबर 1। मान लीजिए ये हमारा एक सिलिकॉन का वेफर है, ये हमारा क्या है? सिलिकॉन का वेफर। अब हमें क्या काम करना है? मान लीजिए ये हमने ऑक्सीडेशन कर दिया, मतलब मास्किंग कर दी, मतलब इसको प्रोटेक्ट कर दिया। अब मुझे इस रीजन में क्या करनी है? डोप, मतलब कि डोपिंग करनी है। मुझे इस पूरे सिलिकॉन वेफर के पूरे सरफेस पर डोपिंग नहीं करनी, मुझे सिर्फ उसके इतने हिस्से में डोपिंग करनी है। इतने हिस्से में इंप्यूरिटी को क्या करना है? ऐड करना है। तो मैं क्या काम करूंगा? जो बाकी हिस्सा है जिसके अंदर मुझे डोपिंग नहीं चाहिए उसको तो मैं कवर कर दूंगा, मतलब मास्क कर दूंगा उसको, है ना, या ऑक्सीडेशन की लेयर बना दूंगा। और जिस हिस्से में मुझे डोपिंग करनी है उसको खुला छोड़ दूंगा। पहला स्टेप तो ये हो गया। मतलब ये कोई स्टेप नहीं है, सिंपल सी बात है यार, है ना? ये सिंपल सी बात है। अगर किसी चीज़ को आपको बचाना है, जैसे घर में पेंट होता है ना, तो किसी चीज़ को अगर बचाना होता है तो हम उसको कवर कर देते हैं कि भैया दीवार का पेंट, दीवार का कलर उसमें ना आ जाए। तो ऐसे ही कर रहे हैं, ये कोई स्टेप नहीं है, सिंपल भैया, कॉमन सेंस है। इतनी बात पल्ले पड़ी, बहुत बढ़िया। अब प्री डिपोजिशन का मतलब समझिए, जिस हिस्से में आपको डोपिंग करनी है क्या उसके ऊपर आपको डोपेंट को डालना पड़ेगा? हाँ, है ना, जरा बताओ मुझे, क्या उसके ऊपर आप डोपेंट को डालोगे कि नहीं डालोगे? सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है? डोपेंट। डोपेंट मैंने अभी आपको बताया, बेसिकली डोपेंट क्या होते हैं? जिस जो इंप्यूरिटी है, जो डोपिंग होगी, मतलब जिसकी डोपिंग करोगे, सही? तो सिंपल सी बात है, यहां पर बेसिकली ये हमारी डोपेंट, बेसिकली इंप्यूरिटी, डोपेंट बेसिकली हमारी क्या है? इंप्यूरिटी है जो एड होगी। तो पहला स्टेप हमारा क्या है? पहला स्टेप हमारा ये है कि सिलिकॉन वेफर के ऊपर आपको सबसे पहले डोपिंग रखनी पड़ेगी।
उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा कि कितनी डोपिंग रखनी है, कितना नीचे तक वो जाए, कितना अमाउंट डोपेंट हो, किस नेचर का। सबसे पहला स्टेप आपका डिसीजन मेकिंग है। सबसे पहले में आप डोपेंट की प्रोफाइल चेक करोगे, मतलब कितना डोपेंट आपको रखना है, कितना नीचे तक वो डिफ्यूज होगा, कैसे होगा, किस नेचर का होगा, वगैरह वगैरह। पहला स्टेप हमारी ये है। सेकेंड स्टेप ड्राइव इन अंदर की तरफ, मतलब सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा, स्टेप नंबर टू। स्टेप नंबर टू में आप डोपेंट को नहीं डालोगे, डोपेंट जो भर दिया आपने उसके ऊपर रख दिया। अब आप डिफ्यूजन प्रोसेस को स्टार्ट करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, और जिसकी वजह से ये जो हमारा डोपेंट्स होंगे ये अंदर की तरफ सिलिकन के अंदर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है हाई कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पर क्या है लो कॉन्सेंट्रेशन। मतलब होगा ये सेकेंड स्टेप में हमारा ड्राइव इन प्रोसेस, ड्राइव इन स्टेप। सेकेंड स्टेप हमारा कौन सा है, ड्राइव इन स्टेप। मतलब ये कि अब जो हमारा ये जो डोपेंट होगा यहां पर इसकी क्या है हाई कंसंट्रेशन, और इस सबस्ट्रेट के अंदर मतलब सिलिकॉन वेफर के अंदर इसकी क्या है लो कंसंट्रेशन, जिसके वजह से जो हमारे डोपेंट के एटम्स होंगे, जो हमारे डोपेंट्स के एटम होंगे वो अंदर की तरफ क्या होंगे डिफ्यूज होंगे। इस स्टेप को हम कहते हैं ड्राइव इन प्रोसेस, मतलब स्टेप। तो इतनी बात हमको ये समझ में आई कि अगर आपको थर्मल डिफ्यूजन करना है तो उसका ऐसे नहीं कि मतलब सिलिकॉन वेफर रख दिया उसके ऊपर डोपेंट फेंक के मार दिया और बस टेम्परेचर बढ़ा दो हो गया, नहीं। सब प्रॉपर प्रोसेस है उसकी। पहले आपने सिलिकॉन का वेफर रखा, उसके ऊपर सबसे पहले आप क्या काम करोगे, किस हिस्से में आपको डोपिंग करनी है वो डिसीजन लेना है। उसके बाद जिस हिस्से में डोपिंग करनी है उस हिस्से के ऊपर प्री डिपोजिशन करना है कि कितने अमाउंट का डोपेंट मैं इसके ऊपर रखूं, किस नेचर का रखूं, सॉलिड में रखूं, लिक्विड में रखूं, गैस में रखूं, कितनी अंदर तक ही जाए, कितने अमाउंट में। ये सारी चीजें आप पहले स्टेप में क्लियर करोगे, विच इज प्री डिपोजिशन स्टेप। दूसरे स्टेप में अब फिर आप क्या काम करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, मतलब कि डोपेंट अब आप चेंज नहीं कर सकते, अब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जिससे सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा ड्राइव इन, मतलब कि वो जो डोपेंट ऊपर रखा हुआ है इम्प्योरिटी सिलिकॉन वेफर के ऊपर अब वो नीचे की तरफ जाएगी ड्यू टू डिफ्यूजन। ये हमारा प्रोसेस है थर्मल डिफ्यूजन। समझ में आया, टू स्टेप्स, प्री डिपोजिशन एंड ड्राइव इन। अब सुनिए जरा ध्यान से, अब मुझे आराम समझना। अब मुझे एक बात बताओ, ऑब्वियसली बात है ये थर्मल डिफ्यूजन जो है बहुत बड़ी प्रोसेस है ना, ये हमारी क्या है प्रोसेस है, डिफ्यूजन की वजह से हम डोपिंग कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, दिमाग लगाइएगा कि एक पूरा अपरेटस भी होगा, है ना, एक सब पूरा अपरेटस होना चाहिए कि होना चाहिए। तो उन अपरेटस को हम डिफ्यूजन सिस्टम कहते हैं। मैंने कहा ना हर एक टॉपिक कनेक्टेड है। डिफ्यूजन सिस्टम का मतलब क्या है, डिफ्यूजन सिस्टम का मतलब ये है कि आप कंस्ट्रक्शन, मतलब फिजिकली आप क्या क्या अपरेटस यूज कर रहे हो, फिजिकली अपरेटस आप क्या यूज कर रहे हो थर्मल डिफ्यूजन करने के लिए। अब एक कंफ्यूजन है, मैं बताता हूँ क्या है। अगर मैं आपसे कहूँ कि जो डिफ्यूजन सिस्टम है, डिफ्यूजन सिस्टम तीन तरीके के हैं, अब आपके दिमाग घूमेगा कि सर एक बात बताइए, एक ही चीज हमें थर्मल डिफ्यूजन ही तो करना है, उसका एक ही अपरेटस होगा, तो अब तीन तीन अपरेटस काहे बात की। आराम समझो मैंने क्या बोला, मैंने ये कहा कि डिफ्यूजन सिस्टम बेसिकली वो अपरेटस है थर्मल, जहां पर थर्मल डिफ्यूजन होगा, अब वो एक ही तो अपरेटस होना चाहिए। लेकिन मैंने अभी आपको कहा कि डिफ्यूजन सिस्टम तीन तरीके के होते हैं, मतलब कि तीन अलग अलग तरीके के कंस्ट्रक्शन सिस्टम्स होंगे, अलग अलग तरीके के अपरेटस होंगे। तो फिर वो अलग अलग तरीके का हमें क्या लेना देना भैया, क्या मतलब है वो मैं बताऊंगा। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं डिफ्यूजन सिस्टम, जो मैं आपको बता रहा था, ध्यान से समझो, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। पहली बात आराम से समझो, थर्मल डिफ्यूजन एक प्रोसेस हो गई, ठीक है। डिफ्यूजन सिस्टम बेसिकली अपरेटस है जो जिससे हम थर्मल डिफ्यूजन करेंगे, वो तीन तरीके के हैं, जरा देखो कौन कौन से। एक है सॉलिड सोर्स सिस्टम, दूसरा लिक्विड सोर्स सिस्टम, और तीसरा हो गया गैसेस सोर्स सिस्टम। इन तीनों मतलब इनको तीन तरीके से कैसे क्लासिफाई करा गया, क्यों क्लासिफाई करा गया, उसका एक छोटा सा रीजन है। जो हमारा डोपेंट है, मतलब कि जो इम्प्योरिटी है जो आप ऐड करोगे सिलिकॉन वेफर के अंदर, वो तीन स्टेट में पाई जाती है ना। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये बताया है, मतलब कि जो डोपेंट, अगर आपका डोपेंट सॉलिड स्टेट में हुआ, किस स्टेट में हुआ, सॉलिड स्टेट में, तब आप कौन सा अपरेटस यूज करोगे, ये वाला सॉलिड सोर्स सिस्टम, कौन सा सिस्टम यूज करोगे, ये वाला। वही अगर मान लीजिए अगर आपका डोपेंट लिक्विड है, अगर आपका किसमें है लिक्विड स्टेट में है, तब आप कौन सा सिस्टम यूज करोगे, ये वाला सिस्टम। और उसी तरीके से अगर आपका डोपेंट मतलब कि इंप्यूरिटी अगर आपकी गैसेस स्टेट में है, तब आप ये सिस्टम यूज करोगे। इतनी बात समझ में आई।
कुल मिला के अलग अलग स्टेट, डोपेंट के स्टेट को लेकर अलग अलग तरीके का सिस्टम बनाया गया है। वो अलग बात है तीनों एक जैसे ही, कुछ बदलाव नहीं है। यहाँ पर देखो डायग्राम मैंने बना रखे तीनों के, आराम समझना। ये वाला सॉलिड के लिए है, ये वाला किसके लिए है? सॉलिड के लिए, ठीक। ये हो गया आपका सॉलिड का, उसके बाद ये हो गया आपका लिक्विड का, और उसके बाद ये लास्ट वाला आपका हो गया गैस का, ठीक है। इन तीनों को समझने की कोशिश करो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये ऑलरेडी आपने ऑक्सीडेशन में पढ़ रखा है, मैंने पढ़ा रखा है, ध्यान से। यहाँ पर एक बेसिकली ट्यूब है, यहाँ पर बेसिकली क्या है, एक ट्यूब है जिसको फर्नेस कहते हैं, सॉरी मतलब एक क्वार्ट्ज ट्यूब है, ठीक है, जिसके अंदर वैक्यूम है और कुछ नहीं, जिसके अंदर क्या क्रिएट करा गया, वैक्यूम, ठीक। उसके बाद उसके चारों तरफ मतलब इसके दोनों तरफ यहाँ पर एक हीटिंग कॉइल्स है। ये हमारी क्या है, रेड कलर में जो आपको दिख रही है, ये हीटिंग कॉइल्स है। ऑब्वियसली बात है जो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्योंकि थर्मल डिफ्यूजन है, टेम्परेचर बढ़ेगा तभी डिफ्यूजन होगा, ठीक। उसके बाद ये हमारा एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट बेसिकली जहाँ पर जो भी बाय प्रोडक्ट बनेंगे जिसका कोई यूज नहीं, वो यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक। उसके बाद इस ट्यूब के अंदर यहाँ पर एक क्वार्ट्ज डिफ्यूजन बोट है, मतलब कि ऐसे करके एक प्लेट सी मान लो, जिसके ऊपर सिलिकन के वेफर खड़े हुए हैं वर्टिकली। ये ग्रीन कलर में जो आपको दिख रहा है, ये सिलिकन के वेफर से जो खड़े हुए हैं ऐसे करके लाइन बाइज लाइन है, लाइन है, लाइन है, लाइन है, ऐसे करके लाइन में रख दिए, सिंपल बात, क्लियर, ठीक। उसके बाद यहाँ पर ये दो गैस सिलेंडर है जिसमें से N2 और O2 गैस आ रही है ना, N2 और O2 गैस आ रही है। ये बेसिकली मतलब कोई और गैस रिएक्शन ना करे, N2 O2 किससे रिएक्शन नहीं करे, तो एक उसके लिए और इसका कोई रीजन नहीं है, ठीक। उसके बाद सेम, यही जो सेम जो मैंने अभी तक आपको बताया, वो तीनों में सेम है। देखो यहाँ पर भी वो ट्यूब हो गई, हीटिंग कॉइल्स हो गई, एग्जॉस्ट हो गया, क्वार्ट्ज ट्यूब हो गई, सिलिकॉन वेफर हो गया, N2 गैस, O2 गैस, सेम यहाँ पर हो गया, ठीक है, N2 गैस, O2 गैस, उसके बाद यहाँ पर वो क्वार्ट्ज ट्यूब, सिलिकॉन वेफर, एग्जॉस्ट, ये तीनों में कॉमन है। अंतर सिर्फ इतना है, अगर आपका डोपेंट सॉलिड में है तो आपको क्या काम करना है, कटोरी सी में मतलब एक बीकर के अंदर आपको उसका पाउडर इसके अंदर रख देना है। होगा क्या, जब N2 और O2 इसके अंदर आएगी तो ऑब्वियसली बात है पाउडर क्या काम करेगा, उठेगा, मतलब ऐसे ऑब्वियसली बात है ऐसे हवा में उड़ेगा नहीं यार, ऐसे करके पाउडर जब हवा चलती है तो ऐसे पाउडर उड़ नहीं जाता, तो पाउडर उड़ेगा और किन के ऊपर गिरेगा, सिलिकॉन वेफर के अंदर। सबसे पहला काम आपको प्री डिपोजिशन, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, प्री डिपोजिशन, डिपोजिट कर लो जितना हो सके, जब डिपोजिट हो जाए उसके बाद फिर हीटिंग कॉइल्स को ऑन करेंगे, वो जो सॉलिड मटेरियल जो उनके ऊपर बिखर गया होगा वो धीरे धीरे डिफ्यूज होगा अंदर की तरफ, मतलब सेकंड प्रोसेस हो जाएगी, सेकंड स्टेप हमारा स्टार्ट हो जाएगा, ड्राइव इन, पल्ले पड़ा। ये हमारा सॉलिड सोर्स सिस्टम है, क्लियर। जो भी बाय प्रोडक्ट बनेगा वो एग्जॉस्ट से बाहर चला जाएगा। उसी तरीके से सेम हमारा लिक्विड वाला है। लिक्विड में हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ये जो ब्लू कलर का आपको लिक्विड दिख रहा होगा, ये लिक्विड डोपेंट है जिसको एक बबलर के अंदर, मतलब एक बेसिकली बहुत बड़ा टैंकर है पानी का जो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेगा, है ना, इसके अंदर फिल करके रखते हैं। सिंपल वही वाली फंडा यहाँ पर है, यहाँ से बेसिकली क्या बनेंगे, ये बबलर क्या काम करेगा, इस डोपेंट लिक्विड के वेपर बनाएगा, वेपर ऊपर की तरफ जाएंगे किसके साथ, N2 और O2 के साथ मिक्स होके अंदर की तरफ प्रेशर के साथ अंदर जाएंगे, और ऑब्वियसली बात है वो वेपर की फॉर्म में, तो किसके मतलब वेपर्स की फॉर्म में है, तो वो बेसिकली हर एक सिलिकॉन वेफर के ऊपर सरफेस को टच हो जाएंगे। पहला काम प्री डिपोजिशन, सेकंड जब ये सारा काम हो जाएगा, जब हमें लगेगा कि सारे सिलिकॉन वेफर में प्री डिपोजिशन हो गया है, उसके बाद हम हीटिंग कॉइल्स को ऑन करेंगे और हमारा ड्राइव इन प्रोसेस स्टार्ट होगा, मतलब कि सारा डोपिंग स्टार्ट होगी, ठीक। थर्ड सेम गैसेस का है हमारा, सेम हमारा क्या है गैसेस का, मतलब कि यहाँ पर इनर्ट गैस डाली जाती है साथ में N2 O2, ये आपकी डोपेंट गैस है जो यहाँ से आएगी, इन सब गैस के साथ मिलकर प्रेशर से आएगी और सिलिकॉन वेफर के ऊपर जो डोपेंट के मॉलिक्यूल्स या एटम होंगे वो उसके ऊपर चिपक जाएंगे। अगेन फर्स्ट स्टेप प्री डिपोजिशन, सेकेंड स्टेप ड्राइव इन, और ये हमारा प्रोसेस होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम थर्मल डिफ्यूजन करते हैं, इस तरीके से हम डिफ्यूजन करते हैं, मतलब डोपिंग करते हैं डिफ्यूजन की मदद से। समझ में आया, कोई डाउट, क्लियर है? ये तीनों फिगर समझ में आ रहे हैं, डिफ्यूजन सिस्टम क्लियर है? याद रखिएगा वो जो लिस्ट मैंने वहाँ लिखाई थी, सारे पॉइंट्स कनेक्टेड हैं, सारे पॉइंट्स कनेक्टेड है। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो गया, फर्स्ट पॉइंट थर्मल डिफ्यूजन। थर्मल डिफ्यूजन करने के लिए सिस्टम हमें चूज करना पड़ता है, और चूज कैसे करते हैं, डोपेंट की मदद से सिस्टम। अब तीसरी बात, जंक्शन डेप्थ और शीट रेजिस्टेंस क्या है, सर उनका यहाँ पर अभी तक कोई शब्द नहीं आया, उनका लेना देना है, इतना नोट कर लीजिए, उसके बारे में बात करते हैं, नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं जंक्शन डेप्थ और शीट रेजिस्टेंस, ये क्या है, क्या सिंपल सी बात है, कोई टेंशन मत लेना। सबसे पहले ऊपर हेडिंग समझो क्या है, हेडिंग देखो, हेडिंग है हमारी इवेल्युएशन टेक्निक्स फॉर डिफ्यूज लेयर। अब तक हमने क्या काम करा, अब तक हमने डोपिंग समझ लिया, डिफ्यूजन समझ लिया, थर्मल डिफ्यूजन समझ लिया, हमने सिस्टम चूज कर लिया, सिस्टम चूज करने के बाद हमने डोपिंग भी कर ली और हमारी डोपिंग हो गई,
हमारा सिलिकॉन वेफर डोप हो गया। अब हमें चेक करना है कि वो जो डिफ्यूजन की लेयर बनी है, वो जो डिफ्यूजन हुआ है, क्या वो कितना बेहतर है, मतलब कि इवेल्युएट करना है हमें, हमें चेक करना है कि वो जो डिफ्यूजन हुआ है वो कितना अच्छा है कितना बुरा है। तो उसको चेक करने के लिए हमारे दो तरीके होते हैं, एक है जंक्शन डेप्थ और एक होता है शीट रेजिस्टेंस। मैंने कहा था सारे टॉपिक कनेक्टेड है। जंक्शन डेप्थ और शीट रेजिस्टेंस बहुत सिंपल से टॉपिक है, इतनी कोई मतलब डिटेल नहीं है, सिंपल सी बात है। देखो जंक्शन डेप्थ है ना, अगर मैं बात करूँ जंक्शन डेप्थ की, जिसको आप एक्स आई से नोट करते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, है ना, एक्स आई एक्स जे। तो बेसिकली यहाँ पर सिंपल सी बात है, हमने क्या काम करा, हमारे पास एक सबस्ट्रेट था, हमारे पास बेसिकली क्या था, एक सबस्ट्रेट मतलब कि सिलिकॉन का वेफर जिसके ऊपर डोपिंग होगी। यहाँ पर हमने मास्किंग कर दी थी, मतलब कि ऑक्सीडेशन कर रखा था, और इस हिस्से की हमने क्या काम करी थी, इस हिस्से की हमने डोपिंग करी थी। बहुत बढ़िया। अब हुआ ये कि जैसे मान लीजिए यहाँ तक जो हमारी इम्प्यूरिटीज है वो यहाँ तक घुस पाई, यहाँ तक एंटर कर पाई, है ना। तो ऑब्वियसली बात है ये हमारा ये जो पॉइंट, ये जो लाइन होगी, ये ऑब्वियसली अगर आप दिमाग लगाओ क्या ये जंक्शन नहीं होगा भाई, ये इम्प्योरिटी है, ये हो सकता है एन टाइप इम्प्योरिटी हो और ये हमारा पी टाइप हो। तो एन और पी मतलब कि अगर मान लीजिए ये हमारी होल की इम्प्योरिटी, ये इलेक्ट्रॉन की इम्प्योरिटी है, तो कुल मिला के क्या इनके बीच में जंक्शन आ गया कि नहीं आ गया। तो बेसिकली इसको हम जंक्शन डेप्थ कहते हैं, इस चीज को इसको हम कहते हैं जंक्शन डेप्थ। जंक्शन डेप्थ बेसिकली वो, इसको दो तरीके समझने के, एक तरीका ये है कि सिलिकॉन वेफर के सरफेस से वो डिस्टेंस नीचे नीचे तक की वो डिस्टेंस जहां पर डिफ्यूजन प्रोसेस स्टॉप हो जाती है, वहां पर एक जंक्शन बनता है जो इम्प्योरिटी को और प्योरिटी को, इम्प्योरिटी ऊपर और प्योर नीचे, उन दोनों के बीच में बैरियर बनाता है, उसको हम जंक्शन कहते हैं। और वो जो लेंथ होती है, वो तो जो डेप्थ होती है, उसको जंक्शन डेप्थ कहते हैं। सिंपल समझ में आया, ये आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो भैया मेरे, सिंपली प्रोसेस क्या कही हमने कि अगर हमारा मतलब वो लेंथ, वो डेप्थ जहां पर हमारे डिफ्यूजन प्रोसेस क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, जहां पर हमारे डिफ्यूजन प्रोसेस क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, उसको आप क्या कह सकते हो, उसको आप कह सकते हो कि बेसिकली वो हमारा जंक्शन डेप्थ हो गया। ये भी कह सकते हैं कि डोप रीजन और सबस्ट्रेट के बीच में जो रीजन होगा उसको हम जंक्शन कहते हैं, और उसकी डेप्थ को हम जंक्शन डेप्थ कहते हैं। दोनों तरीके हैं, ठीक है। मतलब ये कि अगर मैं बात करूं डेप्थ एट विच डिफ्यूजन प्रोसेस स्टॉप, डिफ्यूजन प्रोसेस जहां पर स्टॉप होगी, उस प्रोसेस उस डेप्थ को आप जंक्शन डेप्थ हो गए, है ना, इस कॉल्ड जंक्शन डेप्थ। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि डेप्थ इन विच डोप्ड रीजन, ये हमारा क्या है, ये वाला जो है हमारा, ये हमारा है डोप्ड रीजन। कौन सा रीजन है भाई मेरे, डोप्ड रीजन, है ना, डोप्ड रीजन। और ये हमारा क्या है, सबस्ट्रेट, ये हमारा क्या है, सबस्ट्रेट। तो इन दोनों के बीच का मतलब कि डेप्थ इन विच जहां पर जो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, सॉरी, कंसेंट्रेशन ऑफ डोप रीजन एंड सबस्ट्रेट आर इक्वल, ये भी आप कह सकते हैं, है ना। जहां पर डोप और सबस्ट्रेट दोनों की कंसेंट्रेशन बराबर हो जाएंगी, तब डिफ्यूजन प्रोसेस खुद ब खुद स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि डिफ्यूजन प्रोसेस क्यों हो रही है, कंसेंट्रेशन के गैप की वजह से। समझ में आया, जंक्शन डेप्थ क्लियर हुआ, सिंपल बात समझ में आ रही है। जितना अच्छा, जितना ज्यादा जंक्शन की डेप्थ होगी, उतना ही अच्छा डिफ्यूजन हुआ है और उतनी ही अच्छी डिफ्यूजन की लेयर बनी है, मतलब उतना ही जो हमारी इम्प्योरिटी है वो अंदर तक जा पाई है। सिंपल बात हुई, ठीक है। सेकंड अगर मैं बात करूँ, सेकंड हमारा शीट रेजिस्टेंस, सेकंड हमारा क्या है, शीट रेजिस्टेंस। जरा देखो भैया शीट रेजिस्टेंस कहाँ है, सिंपल सी बात है, टेंशन ना लीजिए जरा। शीट रेजिस्टेंस, शीट रेजिस्टेंस को हम आर एस भी लिख सकते हैं या सिंपली आर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई लड़ाई वाली बात नहीं है, ठीक है। मुझे एक बात बताइए जरा दिमाग लगा के, कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक क्यूब है, ध्यान से समझना, हमारे पास एक क्यूब है, क्यूब देखो ऐसा, ये हो गया हमारा एक क्यूब,
ये हमारा एक क्यूब है, मान लीजिए ये हमारा बेसिकली सिलिकॉन का सब्सट्रेट है, ये हमारा क्या है, सिलिकॉन का सब्सट्रेट है। अब हमने क्या काम करा, इसके सरफेस के ऊपर इंप्यूरिटी रखी और डोप्ड करा, मतलब कि डिफ्यूजन करा। मुझे एक बात बताओ, शुरुआत में कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, मतलब शुरुआत में कंसंट्रेशन इंप्यूरिटी की ज्यादा होगी, जैसे 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 डिफ्यूजन होती रहेगी क्या वैसे वैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज नहीं होती रहेगी भाई? वैसे वैसे कंसंट्रेशन क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी। मतलब ये कि यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करी गई कि जो हमारी डिफ्यूजन की लेयर होगी, जरा फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैं कोई भी एक रैंडम डिफ्यूजन की लेयर लेता हूँ, मान लीजिए ये रैंडम डिफ्यूजन की लेयर हुई, ये डिफ्यूज लेयर है, क्लियर? ये एक हमारी मान लीजिए डिफ्यूजन लेयर है। इसमें सिंपल सी बात ऑब्जर्व ये करी गई कि अगर इस डिफ्यूजन लेयर को अगर मैं बाहर निकालूं, इमेजिन करो कि इस डिफ्यूजन को मैंने बाहर निकाल दिया, मतलब कि ये कुछ इस तरीके से दिखेगी ऐसे। यह हमारे डिफ्यूजन की लेयर, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर हमारा सिलिकॉन का सब्सट्रेट है, उसके अंदर डिफ्यूजन और डिफ्यूजन और डिफ्यूजन हो रहा है। मैंने एक पतली सी क्या काम करी, डीएक्स लेंथ की, लेंथ की भाई मेरे डीएक्स लेंथ की मतलब की विड्थ की या जो भी आप करो, उसकी मैंने डिफ्यूजन लेयर को कट कर दिया, ठीक। अब ये हमारे पास डिफ्यूजन लेयर, अब ये हमारे पास क्या, डिफ्यूजन लेयर। अब ध्यान समझो इस चीज को, यहाँ पर ये ऑब्जर्व करा गया कि अगर इसमें से करंट पास कराई जाए कुछ इस तरीके से, मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं करंट पास करूँ ऐसे करके, तो यहाँ पर बड़े आराम से करंट पास हो रही है, मतलब यहाँ पर ये जो डिफ्यूज लेयर थी हमारी, ये अच्छी करंट कैरिंग कंडक्टर थी। अच्छी क्या थी, करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब यहाँ पर ये कि अगर करंट पास हो रही है तो क्या एक डिफ्यूज लेयर के पास एक रेजिस्टेंस होगा? ऑब्वियसली बात है, कंडक्टिविटी चेंज हुई तो क्या इसका एक रेजिस्टेंस होगा, इस शीट का जो डिफ्यूज शीट बनेगी क्या उसका एक रेजिस्टेंस होगा? इसके रेजिस्टेंस को हम शीट रेजिस्टेंस कहते हैं, इसके रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, शीट रेजिस्टेंस कहते हैं। सिंपल बात समझ में, मतलब कि अब ध्यान समझना, शीट रेजिस्टेंस है क्या, शीट रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय डिफ्यूज्ड लेयर, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कौन दे रहा है आपको, डिफ्यूज लेयर पर एरिया इज कॉल्ड शीट रेजिस्टेंस। याद रखिएगा, दो पैरेलल फेसेस के बीच में अगर मैं इस पतले की शीट को देखूं तो दो पैरेलल फेस होंगे ना, उसके बीच में एरिया बन रहा होगा, तो उस एरिया में पर यूनिट एरिया में जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड कर रहा होगा बाय डिफ्यूज लेयर, देखो ना ध्यान से, ये दो लेयर है, इन दो लेयर के बीच में एरिया हो रहा होगा, तो ये एरिया कितना रेजिस्टेंस दे रहा है उसको शीट रेजिस्टेंस कहेंगे। मतलब कि कुल मिला के जो शीट रेजिस्टेंस है वो बेसिकली क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ शीट पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया, क्लियर? ऑब्वियसली बात है, इसकी यूनिट क्या होगी, क्लियर हुआ? ठीक, तो ये हमारा भाई साहब क्या था, शीट रेजिस्टेंस और जंक्शन डेप्थ, इन दोनों की मदद से, शीट रेजिस्टेंस की मदद से और जंक्शन डेप्थ की मदद से आप ये चेक कर सकते हो कि आपका डिफ्यूजन कितना अच्छा हुआ, आपका डिफ्यूजन कितना अच्छा हुआ। अगर जंक्शन डेप्थ ज्यादा है इसका मतलब डिफ्यूजन बहुत अच्छा हुआ है, शीट रेजिस्टेंस अपने हिसाब से आप उसे वेरी कर सकते हो, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि डिफ्यूजन भी आपके कंट्रोल में है, कितना टेम्परेचर देना है डिफ्यूजन, कितना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट देनी है, कितनी कितना मास डोपेंट का डालना है, वो सब चीजें आपके कंट्रोल में होंगी, ठीक है? तो शीट रेजिस्टेंस आप खुद कंट्रोल कर सकते हो कि डिफ्यूजन लेयर जो है उसका क्या मैं रेजिस्टेंस रखूँ जिससे इतनी करंट पास हो, पल्ले पड़ता है, क्लियर? सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, जिसके अंदर हमने आपको डिफ्यूजन, जंक्शन डेप्थ, डिफ्यूजन सिस्टम, शीट रेजिस्टेंस, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया हो और ये वीडियो अच्छी लगी हो। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।